ब्राइट वर्ल्ड की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। हम लोग आज आपको एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं, क्योंकि इस समय चल रहा है लॉकडाउन। लॉकडाउन में स्टे सेफ और स्टे होम हम लोगों को करना है। तो उस कंडीशन में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे पास में एक जूम नाम का एक सॉफ्टवेयर है, एक ऐप है। अगर आप मोबाइल या मोबाइल है तो उस पर आपको ऐप इंस्टॉल करना है, और कंप्यूटर है तो आपको क्या करना है, एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या कंप्यूटर में, अगर मोबाइल है तो आपको प्ले स्टोर पे जाना है, और यहाँ पे जाके आपको लिखना है क्या, जूम। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना है जूम, ZOOM। ये लिखेंगे तो यहाँ पे जूम इस तरीके से ऑप्शन आ जाएंगे, और आने के बाद इसको सर्च कर लेना। तो यहाँ पे एक जूम क्लाउड मीटिंग नाम का एक सॉफ्टवेयर है। ये आपको, अगर मोबाइल है तो आपको अपने इसमें ऐप डाल लेना है, और यदि आपका कंप्यूटर है तो ये कंप्यूटर में आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेना। दोनों में ये चलता है। और मेरे पास में यहाँ पे क्या है, अपडेट आ रहा है, लेकिन आपके में इंस्टॉल आएगा, आप इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद में ये इस तरीके से कहाँ पे आ जाता है, इंस्टॉल हो जाता है जूम ऐप। इस तरीके से आपके मोबाइल में ऐप पे आ जाएगा, कंप्यूटर में ये माई कंप्यू उसमें ऑल प्रोग्राम्स के अंदर चला जाएगा। अब बात करते हैं ये यूज कैसे करते हैं। तो जूम में जाना है। जूम में जाने के बाद में आपको, आप अगर मीटिंग देना चाहते हैं, क्लास देना चाहते हैं, तो आपको साइन इन करना है। यदि लेना चाहता है तो ज्वाइन ए मीटिंग करना। ज्वाइन ए मीटिंग अभी मैं बाद में बताने वाला हूँ इसी वीडियो में। तो मुझे क्या है, सबसे पहले मैं क्लास देना चाहता हूँ, इसलिए मुझे इसमें साइन इन करना होगा, और साइन अप भी कर सकते हो। तो साइन इन करने के लिए आपको जाना है, साइन इन के लिए ये ऑप्शन पूछता है कि ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डालो आप, और फिर इसके बाद में आप साइन इन किस किस से, SSO ID से साइन कर सकते हो, जीमेल या फेसबुक के थ्रू भी आप कर सकते हो। तो अक्सर क्या है कि सभी मोबाइल के अंदर जीमेल का अकाउंट बना होता है, इसलिए मैं गूगल के थ्रू कर रहा हूँ यहाँ पे। और गूगल के थ्रू जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे जो भी गूगल की ईमेल आईडी आपके मोबाइल में लॉगिन होगी वो यहाँ पे शो हो जाती है। जैसे मेरे इसमें बहुत सारी आईडी हैं, तो मैं इसमें से ले रहा हूँ मैक टेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। ठीक है, मैंने इसको जैसे टच किया, आपसे कुछ नहीं मांगेगा, इसके पासवर्ड के थ्रू ही ऑटोमेटिक लॉगिन हो जाएगा, आपको कोई पासवर्ड देने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, और इसके बाद डायरेक्ट आपको सिर्फ लॉन्च जूम पे क्लिक करना है। जैसे लॉन्च जूम पे क्लिक करेंगे तो ये कनेक्ट हो जाएगा, और कनेक्ट होने के बाद इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मुझे जैसे क्या है कि मीटिंग देनी है, तो मुझे क्या, न्यू मीटिंग पे जाना। न्यू मीटिंग है, हम उसको बोलते हैं, मीटिंग के लिए बनाया है, तो हम लोग इसे मीटिंग मतलब क्लास भी कर सकते हैं। अब मुझे क्लास या मेरे मोबाइल की स्क्रीन या मेरा वीडियो मुझे शेयर करना है, तो आपको क्या, न्यू मीटिंग पे जाना है। न्यू मीटिंग पे जाने पर ऑन वीडियो आ रहा है इसमें, ये क्या है, आपको ऑन कर लेना है। अगर आप वीडियो देना चाहते हैं, फेस देना चाहते हो, तो मोबाइल या कंप्यूटर की स्क्रीन देना चाहते हो तो इसको ऑफ कर सकते हो, और इसके बाद में स्टार्ट ए मीटिंग पे क्लिक कर देना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो ये कनेक्टिंग करने लग जाएगा, और कनेक्टिंग हो जाएगी। कनेक्ट होने के बाद में ये, अगर आपने चेहरा दिया है मतलब वीडियो ऑन रखा है, तो आपकी शक्ल दिखाएगा, आपके बारे में दिखाएगा, अपने स्टैंड पे लगा के क्लास के सामने सेट करके कर सकते हो। मैंने नहीं किया है इसलिए यहाँ पे एम दिखा रहा है ये, और एम आने के बाद में इसका मतलब ये लॉगिन हो गया। देखो सबसे ऊपर आप देख पा रहे होंगे कि एक आईडी आ रही है, और ये आ रहा है 677 670 050 62 36। ठीक है, ये एक ईमेल आईडी है, इसका पासवर्ड है। तो मैं इसको क्या, स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ एक। ठीक है, मैं आपको ये दिखाऊंगा इसको कि कैसे इसकी जरूरत पड़ेगी ये करने के बाद। नीचे का ऑप्शन कुछ बता देता हूँ मैं आपको। और दूसरा देखो, नीचे का ऑप्शन हो में अगर आपको अपनी आवाज है उसको म्यूट करना है तो म्यूट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, और अगर नहीं करना है तो इसको अनम्यूट कर देना है। स्टार्ट वीडियो अभी ऑफ है तो इसको ऑफ है तो ऑफ रखना है, और ऑन तो ऑन कर लो ना, ऑफ ऑन हो जाएगा। अपने स्क्रीन की स्क्रीन शेयर करनी है तो शेयर पे क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे शेयर पे क्लिक करेंगे तो आप इस पे शेयर पे क्लिक करना, शेयर पे क्लिक करने से ऑप्शन आ जाएगा किस चीज़ को शेयर करना है वो कर देना। जैसे मुझे स्क्रीन शेयर करनी है तो स्क्रीन शेयर कर देना। ठीक है, लेकिन मैं अभी इसको शेयर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ हो जाएगी अगर मैं शेयर करूंगा तो। ठीक है, आप इसको करके देखना। और ये है साउंड, है आवाज़, आपको ऑफ करनी है, जो आपकी सामने वाली मीटिंग से आएगी तो उसे ऑफ कर सकते हो यहाँ पे, और अगर ऑन है तो ऑन कर सकते हो। तो इस तरीके से इस वीडियो में ये सारी चीजें आप कर सकते हो। और इस मीटिंग से आप बाहर आना चाहते हो तो यहाँ पे लास्ट में एंड दिया हुआ है, एंड से बाहर आ जाना है, और यहाँ पे आ रहा है लीव मीटिंग, मीटिंग छोड़नी है तो सिर्फ मीटिंग छोड़ सकते हो। इस तरीके से ही आ जाएगा और वापिस स्टार्ट करवा देगा, ये आईडी आ रही है, और बैक करना चाहे तो बैक आ सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके के हम लोगों को ऑप्शन करना है। ठीक है, बाकी इसको ज्वाइन कैसे करना है, ज्वाइन करने के लिए मैं बताता हूँ आपको। इससे बाहर आना, सेटिंग्स में जाना, और ये मैकटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट इसको बिल्कुल साइन आउट करना, तो यहाँ पे टच करना और साइन आउट पे क्लिक कर देना और यस कर देना, तो आप बिल्कुल फर्स्ट टाइम वाले इंटरफेस में आ जाओगे। और इस तरीके से यहाँ पे करोगे आप
तो यहाँ पे ज्वाइन इन मीटिंग पे करना है। ज्वाइन इन मीटिंग कैसे करनी है तो मैं अभी आपको इसी वीडियो में बताता हूँ। चलिए कंटिन्यू रहिए, और आपको अच्छा लग रहा होगा, इंटरेस्टिंग वीडियो है तो आप इसको स्किप नहीं कीजिएगा प्लीज़ आप। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और यदि नए यूजर तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं अब ऑनलाइन ही आपको पढ़ाने वाला हूँ, ऑनलाइन ही आपको आप पढ़ने वाले हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। जो क्लास लेना चाहता है वो ज्वाइन मीटिंग पे क्लिक करेगा। ज्वाइन मीटिंग पे क्लिक करने के बाद इस तरीके का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे उसको अपनी एक आईडी मिलेगी, वो देनी है इसमें। और इसके बाद में जैसे आगे बढ़ेगा तो उसको आईडी जैसे मैंने यहाँ दिए, देने के बाद में ज्वाइन पे क्लिक करना है। और इसके बाद एक पासवर्ड मांगेगा, वो पासवर्ड आपको देना है इस तरीके से। और इसके बाद में जो एडमिट करना चाहता है वो उसको एडमिट पे क्लिक करेगा। और फिर वो स्क्रीन शेयर जो करना चाहता है वो अपनी स्क्रीन शेयर पे क्लिक करेगा। और स्क्रीन शेयर करने के बाद में इस तरीके से उसकी स्क्रीन शेयर हो जाएगी।